फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चिल्ला। बहुत ही बढ़िया, मैंने लखू से ही बना चुकी हूँ और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा स्पाइसी सा, इसमें सब कुछ मिला करके बनाऊंगी। देखिए आपको लखू के पीछे से बैकग्राउंड साउंड भी आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी करें दोनों मुझे करने नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो देखिए इस तरह से इसको फैला लेंगे और इसमें जो आपको पसंद है वो डाल लेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा क्रीम कोरिएंडर मुझे बहुत पसंद है, टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें आप, और थोड़ी सी ग्रीन चिली। इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि इसे चिपक जाए सब चीज़ें हमें अच्छी तरह से, और इसे आधा मिनट इधर से सिकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे सिकते हुए आधा मिनट हो गया है, इसका कलर भी आप देख लेंगे ऐसे चेंज हो गया है। तो मैं इसे अब पलट लूँगी। तो ये ऐसे जब सिक जाता है ना अच्छे से, तो ये अपना आप ऐसे देखिए ईजिली रिमूव हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ही मैंने आपके सामने छुटाया और उसको पलट लेंगे। और ऐसा आप रिफाइंड में, देसी घी में, ऑलिव ऑयल में जैसे खाना पसंद करते हैं उस पर इस पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऐसे। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया सिका है। अभी इसे इधर से और सेकेंगे, इधर से सीखने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ चिल्ला कितनी बढ़िया तरह सिक गया है इधर से। अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सिका है। इसे एक दो बार और उलट पुलट करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेक लेंगे। ये देखिए इधर से भी कितना अच्छा क्रिस्पी रेड सिका है। देखिए तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिल्ला रेडी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी यम्मी। और बताइए कैसा लग रहा है हमारा चीला। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।